अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्लाह हम सबको खुश रखे। हम लोग ऐसे ही मम्मी में और मोहन बैठे थे घर में, और ईशा की नमाज हो गई, और खाना हम लोग ने दोपहर में एक टाइम का ही बनाए थे मम्मी और मोहन ने, फिश और खिचड़ी। तो ऐसे ही प्लान बन गया कि चलो बाहर डिनर कर लेते हैं। और तुम्हारा शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बोलूं हाँ बोलो, क्या हो? कैमरा ना फ्लैश मेरे पास है। तो ऐसे ना सच बोलो तो ये हमारा बोरिंग इंसान ने प्लान नहीं किया, हम दोनों सास बहू ने मिलके प्लान किए जाने का। कहीं ये सो गए थे, हाँ बताता हूँ काम खत्म होगा तो जाएंगे। और शेजान का ऐसा है मुंजरीन, जब तक वो माइंड सेट नहीं करता है ना, वो कोई चीज में हामी नहीं भरता है। फाइनली माइंड सेट हो गया है, ऐसे जाने का प्लान बन गया है, बट कहाँ जाना ये हम लोग कभी डिसाइड करके नहीं निकलते। इतना देख लिए कि बैंड्रा की तरफ चलते और निकले, सफर स्टार्ट किया और मस्त बारिश हो रही है। अच्छा, तीनों ने एक एक अपना वो बांट दिया। अच्छा, तुम लोग दोनों दिख रहे हैं अभी एक फ्रेम में। ऐसे तीनों तीनों बांट दिए से प्लान मैंने बनाए, मम्मी आ रहे हैं, तो शेजान का क्या बनता है फिर जगह बताएंगे। अच्छा, मेन क्या है? मैं आ रही हूँ सबसे पहले। अच्छा, मैं आ रहे मेन वो बस हो गया। अच्छा, अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने बोले कि ना बादल काले हो गए हैं, शायद जोर से बारिश होने वाली है। और दो मिनट में बारिश हुई तो ये हमारे साथ मौसम विभाग चल रहे हैं साथों साथ अच्छा सुनो, पहले तुम लोग दोनों को बोल दूं मैं कि इतना कैमरा हिला ऐसा लगेगा मैं हाथ गाड़ी में बैठे खड्डे बोलते ना, पूरा कैमरा ऐसा ऐसा हो रहा था। ऐसे सड़कों का यही हाल है। आपको चाइनीज खाना है? चलेगा, सही में चलेगा। शेजान को मन हो रहा है योकोस खाने का, मुझे सब चलेगा। चाइनीज अगर खाएंगे तो वहाँ पे शायद चाइना गेट है ना। ये अच्छा है तुम लोग दोनों आ रहे हैं ना, मेरे को ये नहीं टेंशन के इसको के उसको नहीं, चक्कर आ जाती है घुमाने में। नहीं नहीं, हाँ तो ठीक है, चलो देखते हैं भी क्या है। ये भी बिजी हो गए क्योंकि ना एकदम हाईवे आ गया है, तो ना ड्राइव पहले तो मुंजरीन कहने लगी कि चलो बॉम्बे चलते टाउन। लेकिन जो मेन था ना, वो टाउन बहुत पसंद है, तो वो कभी भी उनको बोलो चाहे वो बीमार भी क्यों ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन टाउन सुनते साथ जो उनकी कली खिलती है, बस बोले हाँ अच्छा टाउन तो चलो रेडी, 5 मिनट में रेडी। मुझे रोज बोलेंगे मैं, हाँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है, हाँ, वहीं रहकर आई ना इसके लिए। हाँ। शेजान तुम कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तुमने तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, इसके लिए तुम बात नहीं कर रहे। 500 रुपए दे देंगे दोनों। माशाल्लाह दोनों हंस रहे, अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, नजर नहीं लगे। हम लोग डिसाइड करते हैं जगह कहाँ जाएंगे उसके बाद। शेजान एक बार वैसे ही हंसो ताली बजा के जो अभी जोर से हंसे थे। अल्लाह मुंजरीन कैसा हंस रही बिना आवाज के। अल्लाह नहीं नहीं अभी लेती, अभी तुमने बोले कि आप कम से कम 1000 फोटोज पीछे खींच लिए होंगे। नहीं नहीं, मेल पे उंगली रहती है कोई तो अच्छा फोटो। अभी हम लोग कल फिश मार्केट गए थे ना, तो बेचारी जो मछुआरी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उन लोग, कोलन 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 जो बैठे थे उनको भी बोलते एक मिनट रुको। शहजान इधर देखो अभी अच्छी सी दोनों जन रियल में। हाँ, इसको बंद करना, वाइपर को बंद करेगा, वाइपर को बंद करूंगा तो ठोक दूंगा। बस अब चालू करो वाइपर, चालू करो। क्या शॉट लिया मैं, इंटरनेशनल शॉट लिया मैं ऐसी थी। हाँ बस, और ऐसे ही मेरे पर कैमरा आ गया। ये अच्छा नहीं तो अचानक मैं भयानक कर रहे मेरे साथ। अल्लाह इतनी गाड़ी हिल रही इस कसम से। तो हम लोग आ गए हैं योको सिजलर्स में, और ये है मैंने बनाया @ शेजान, शाजान है ये शाजान। चलो आ जाओ, चले वीकेंड नहीं है तो खाली है, इतना रश नहीं है। मम्मी यहाँ पे घर बना के अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत घर बना है। झाड़ और बताए, ये पायदान है, ये लैंप है। मुंजरीन यहाँ पे अपना वर्ड्स ढूंढ रही है, सब सब हर टाइम अलग अलग आते हैं। हाँ, हम लोग बचपन से यही देख रहे हैं, मम्मी यही बनाते हैं। चूहे मामा, ये है बदक और ये मटका। सो यहाँ पर हम लोग एक्सन जीरो खेल रहे हैं, मेरा हो गया खेल कर, अभी मम्मी और शेजान का कंपटीशन चल रहा है। क्या बात है मम्मी, और अरे ले लिया मेरा जीरो, सॉरी सॉरी, मैं क्या लूं, ये स्पेस है, ये सेफ स्पेस है, ये
खाली है, ब्लैंक है। अच्छा ये हो गया ना, सीधी लाइन करो। ओ जीत गए, उनको पता ही नहीं वो जीत गए। मुझे पता ही नहीं, मैं तो हार गया। अभी मम्मी और मुंजरीन के बीच में हो रहा है दंगल। क्या बात है, ये है मम्मी, ये है मुंजरीन, ये है मम्मी, ये है मम्मी और ये है मुंजरीन। मम्मी 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 जीत गए। अल्लाह सही में मैं जीत गई। ये ना मुझे ऑफ कैमरा धमकी दी गई थी कि तुमको हारना पड़ेगा। आ गया हम लोग का सिज़लर और ये एक्स्ट्रा फ्राइज मंगाए हैं थोड़ी बहुत। एकदम सिनेमैटिक शॉट आ रहा है मुंजरीन का, धुएं में से हीरोइन का चेहरा नज़र आ रहा है। हो गया खाना अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। और बाहर निकले और ज़ोरों शोरों में बारिश चल रही है। ये अल्लाह का शुक्र अच्छा है, गाड़ी सामने ही खड़ी है। ये दोनों आराम आराम से आ रहे हैं, कहाँ रह गए जाए। खाना खा लिए, खाने के बाद क्या मन होता है, मीठा खाने का। तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं कि बैंड्रा में नज़दीक में क्या खावे। अपन लास्ट टाइम क्या खाए थे, सैन चुरोस। तो हम लोग सोच रहे वही क्या बोला, हाँ शायद फोंडू ही बोलते हैं। चलो वहाँ जाके देखते हैं क्या है, लोगों को भी एक्चुअल बता देंगे क्या है। तो आज एक ही कुछ मंगाएगा और शेयर कर लेंगे। लेट्स गो। ये है आज की हमारी सवारी, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, क्रेटा 2017 की ऑटोमेटिक डीजल। तो ये एक ऐसी लेन है जहाँ पे सब मीठा ही मिलता है, जैसे वहाँ पे कुनाफा वर्ल्ड देख रहे हैं, उसके आगे सेंचुरो है और ये भी कुछ है। सो हम लोग ये दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सी, ये लाइट आ रही ना, हाँ देखो देखा, कुनाफा वर्ल्ड, कुनाफा सॉरी, और आगे है सेंचुरो। हमारा ऑर्डर आ गया है, ये सब फ्रूट्स है और इसको इसमें डिप करके खाया जाता है। अच्छा है यार, मस्त लग रहा ना, सोशल मीडिया का जमाना है। देखो अरे अल्लाह कैसा लग रहा है, हो गया खा के अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग निकल गए अभी घर के लिए, मज़ा आया, अच्छी अच्छा था ना ओवरऑल सब। एक्चुअली जज़ाकअल्लाह, खैर सब एक दूसरे को बोल सकते हैं क्योंकि सबका प्रेजेंस भी बहुत मायने रखता है। तुम तुम्हारे पीछे से शाहिद भाई का घर गया, शाहिद कपूर का, ये मैं कम से कम 1941 बार बोल दिया हूँ। अभी हम लोग ये जू के रास्ते से जा रहे हैं, अभी आगे बस जू बीच आएगा। लाइट क्या है पैरों में ना नीचे। सो आज मंजरीन का रेसिपी बनाने का मन हो रहा था, तो उसने आज चिकन का ग्रेवी, चावल, ककड़ी और रोटी बनाई, और इत्तेफाक से बुशरा और बच्चे भी आ रहे हैं आज। मज़ा आ गया खाना खा के, माशाल्लाह बहुत लजीज था। काम मेरा हो गया कंप्लीट, तो मैंने बोला शाम के टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा नाश्ता ले लेते हैं, जैसे सेव पूरी, पानी पूरी, ये सब। और ये पानी में ना बर्फ़ डालने का, ठंडा ठंडा और फिर पानी पूरी खाने का। और घर पे कुछ तो वो लोग बना रहे हैं, हम लोग अभी सेंचुर हो गए थे देखो खाने के लिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, लास्ट नहीं यही वीडियो में, इतना नाइट डे गए तो घर पे बच्चे लोग आए तो बोले घर पे भी वो एक टाइम बना के ट्राई करते हैं। घर पे तो जोरों शोरों में तैयारी चल रही है बनाने की, सब फ्रूट्स कट हो गए और एक तरफ ये नॉर्मल वाली चॉकलेट रखे और ये डार्क चॉकलेट है, दोनों को मेल्ट कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, गिर रहा है, अच्छा बच गया। अभी पहले हम लोग बोले नमकीन खा लेते हैं, पानी पूरी ये सब, उसके बाद इंशाल्लाह मीठा खाएंगे। हो गया पानी पूरी, सेव पूरी खा के, अभी सब उसका वहाँ है, अभी मीठा खाएंगे। जम गया क्योंकि इसको कैसा होता है ना, गरम मतलब वो वार्म रहना चाहिए वरना हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, छोड़ना पड़ेगा। चलो हल्की धीमी आग पे छोड़ दो ये डार्क चॉकलेट, हाँ। ये लाइट चॉकलेट। यस, तो अभी फ्रूट्स को कट हो चुके हैं। मियां बीवी आ रहे, बस 5 मिनट, बस बोला 5 मिनट है तो क्योंकि चॉकलेट कड़क हो चुकी है। अभी मैं बोला बच्चे आए हैं नीचे तो थोड़ा उन लोग को कपड़े दिला देते हैं, तो मैं और मंजरीन बच्चों को लेके आए और जियान के लिए भी कुछ यहाँ से ले लेंगे। अच्छा
ऐसा ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, मुंजरीन नीचे बच्चे लोग हैं। ये अपनी देखो इधर नीचे से इसका मुंह छुपा के देखो क्या ले रही है वो। फ्रॉग, वाओ। बच्चे लोग की शॉपिंग करके हो गया और इन लोग साथ में रहते हैं ना तो व्लॉग बनाना बहुत डिफिकल्ट है, कैमरा भी और इन लोग को भी संभालो। तो सब इन लोग को घर छोड़ रहा हूँ मैं और एक मज़ेदार चीज़ लेने जा रहा हूँ जो मैं अक्सर घर में रात के टाइम खाने के बाद लेके जाता हूँ, आप लोग से शेयर करता हूँ। सो ये है बाबा कोला। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सोडा वाले आइटम मिलते हैं अलग अलग फ्लेवर्स के और बहुत ही टेस्टी रहता है, मैं तो अक्सर वो जलजीरा टाइप का ही लेता हूँ। तो अभी ये भाई बना रहे हैं, क्या नाम है भाई इसका जो आप ये अक्सर मेरे को बना के देते हैं? हाजमा, हाजमा कड़ी क्या कुछ तो है ना आगे और वर्ड? नहीं, हाजमा ही बोलते ना इसको से। हाँ, रात में तो थक के मैं सो गया था लेकिन मम्मी बुशरा और मुंजरी रात के 3 बजे तक बैठ के बातें कर रहे थे। और अभी जैसे गुड मॉर्निंग, एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ। हजरत यूनुस अलैहि सलाम जिब्रील अलैहि सलाम को फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसे बंदे से मिला जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करता है, अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो बोले चलो ले चलता हूँ आपको। तो एक बंदे के पास लेके जाते जिसकी आँखें नहीं रहती, हाथ दोनों नहीं रहते, दोनों पैर नहीं रहते। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम जिब्रील अलैहि सलाम को फरमाते हैं कि अरे मैंने तो आपको बोला था जो सबसे ज़्यादा इबादत करता है उसके पास लेके चलो, नहीं तो आप, लेकिन ये आप मुझे बीमार के पास लेके आ गए। बोले नहीं, ये वही बंदा है जो अल्लाह के सबसे नज़दीक है, इबादतों में सबसे ऊपर इसका नाम आता है। तो बोले अब आपको मिलाता हूँ। तो गुफ्तगू चालू हुई तो हज़रत यूनुस अलैहि सलाम वो बंदे को पूछते आपकी आँखों को क्या हुआ? बोले क्या होना था, अल्लाह को जब तक मुझे दिखाना था तो अल्लाह ने दिया मुझे आँखें, जब नहीं दिखाना था अल्लाह ने ले लिया। उसी तरह मेरे पैर जब तक चलना था अल्लाह ने चलाया, जब नहीं चलना था तो अल्लाह ने पैर ले लिया। उसी तरह हाथ के काम जितने अल्लाह को करवाना था अल्लाह ने कराए, फिर मेरे हाथ भी ले लिए। लेकिन जब अल्लाह ताला नहीं चाहता मैं नहीं देखूँ, नहीं चलूँ, हाथ के काम नहीं करूँ, तो मैं भी फिर वही चाहता हूँ। अल्लाह की जो रज़ा है जो चीज़ में, उसमें मेरी भी रज़ा है। तो सोचो जिब्रील अपना हज़रत यूनुस अलैहि सलाम देख के ये सुन के यही बोले कि हाँ ये ज़रूर अल्लाह का सबसे इबादत करने वालों में से टॉप पे आता होगा, क्योंकि इतनी सारी इसको तकलीफें अल्लाह ने सब ले लिया फिर भी इसके मुंह से शुक्र अदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और हम इतनी छोटी छोटी बातों में अल्लाह से शिकवा करने लग जाते हैं, अल्लाह ये क्यों, अल्लाह ऐसा क्यों, अल्लाह इतनी तकलीफ़ क्यों। तो जो उसकी आँखें नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, फिर भी वो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, शुक्र कर रहा है। इसलिए जब आप खुश हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जब तकलीफ में हो ना तो दो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बोलो कि अल्लाह तूने आजमाइश में रखा है। और जितनी तकलीफ़ आप उठाओगे ना उतना आपको ऊपर अजर मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखो और इंशाल्लाह आएगा न्यू व्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे डायरी और सबको दुआओं में याद रखिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए शेजान शेख। अल्लाह हाफिज़।